हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अक्सर एक्सपेरिमेंट चैनल में आपका स्वागत। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सोलर पैनल। बहुत ही मजबूत सोलर पैनल है, इसका हम आज एक्सपेरिमेंट करेंगे। बहुत ही मजबूत है और टेस्ट करके दिखाएंगे कितना लोड चला सकता है। तो आप देख सकते हो इस प्रकार का हमारा सोलर पैनल है। इसमें चार होल दिए गए हैं जिससे आप इसको कहीं भी टांग सकते हो। तो मैंने ऑफलाइन मार्केट खरीदा था 150 रुपये में, तो मैंने दो परचेस किए। इनको मैं यूज़ कर रहा था एक महीने से, तो सोचा कि आपको आज दिखा दूं। तो हम इसको कर लेते हैं बैक साइड से। तो पीछे से आप देख सकते हैं इस तरीके के, और इसके साथ एक वायर आती है, तो मैं भी इसको छील लेता हूं। तो इन वायर को कर लेते हैं कनेक्ट, क्योंकि एक सोलर पैनल हमारा 12 वोल्ट का है, तो हमें 24 वोल्ट तो चाहिए नहीं। तो हम इसको वायर को कर लेते हैं कनेक्ट, पॉजिटिव को पॉजिटिव में और नेगेटिव को नेगेटिव में। अगर आपको 24 वोल्ट चाहिए तो आप 24 वोल्ट भी इससे ले सकते हो। तो अभी तो मैं 12 वोल्ट मुझे जुड़ता है, तो मैं दोनों को आपस में कनेक्ट कर लेता हूँ जिससे हमारे एम्पियर बढ़ जाए। ये देख सकते हो आप, ये हो चुका कम्प्लीट। इसको करते साइड में, ये अब बैटरी है जो मैंने ली थी कबाड़ से 10 रुपये के अंदर। इसको मैं रिपेयर भी करा था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब वहाँ से जाकर देख सकते हो कि मैंने इसको कैसे ठीक किया था। आप देख सकते हैं बिल्कुल लो है, इसमें बिल्कुल भी करंट नहीं है, रखी हुई थी वो दिन से। तो मैं आज इसको आपको चार्ज करके दिखाऊंगा एंड इससे चीज़ें भी यूज करके दिखाऊंगा कि हम क्या क्या चला सकते हैं विदाउट चार्ज किए। हम इसको सोलर पैनल से ही यूज़ में लेंगे। तो हम इसके वायर को कर लेते हैं पहले तो कनेक्ट। ये हम पॉजिटिव में वायर जोड़ रहे हैं। ये हमारी बैटरी हो चुकी है कनेक्ट। तो मैं थोड़ा सा मैं वायर को लपेट देता हूँ जिससे बिल्कुल भी फील नहीं। तो भाई मैं आ सका हूँ धूप में, तो मैं अपने सोलर पैनल को रख लेता हूँ साइड में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ उनकी वोल्टेज 12 वोल्ट से ऊपर वो करंट दे रहे हैं सोलर पैनल। ये सोलर पैनल हमें 12 वोल्ट करंट दे रहा है। तो अब हम कर लेते हैं इस वायर को कनेक्ट। इस वायर को हम पहले छीन लेते हैं। ये मैं सीधा डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट किए हुए है विदाउट सोलर पैनल कंट्रोल के। हम इसको चार्ज कर सकते हैं बैटरी को। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो आप, ये वायर सीधा जा रहा है रूम में जहाँ पर हमारी बैटरी रखी हुई है। ये हमारी बैटरी है, तो इस सब बैटरी चार्ज करके कुछ भी चला सकते हो। LED लाइट 12 वोल्ट की या फैन वगैरह भी जो आप यूज में लेना चाहो। तो देख सकते हो 12 वोल्ट है, क्योंकि अभी हमारी बैटरी चार्ज हो रही है इसलिए 9 वोल्ट दिखा रहा है, क्योंकि बैटरी भी हमारा करंट ले रही है। तो इसको रख दे थोड़ी देर चार्जिंग पे। इसको कम से कम 30 मिनट हो चुके हैं, तो हम उसको करते हैं कितनी हमारी बैटरी चार्ज हुई है। तो उसको मैं हटा लेता हूँ। दिन में आप इसे फैन वगैरह भी चला सकते हो। आप देख सकते हो ये हमारे सोलर पैनल के करंट देख सकते हो 9-10 के आसपास है आ रहा है, जो थोड़ी छाया हो चुकी है। आप देख सकते हो हमारी बैटरी 8 वोल्ट से ज़्यादा चार्ज हो चुकी है। अगर इसमें 2-3 घंटे रखता तो फुल चार्ज हो जाती, तो 8.5 वोल्ट के आसपास चार्ज हो चुकी है। तो मैं आपको अभी टेस्ट करके दिखाऊंगा कि हम क्या क्या चला सकते हैं। इससे हम फैन वगैरह भी यूज़ ले सकते हैं दिन में, और रात को हम बैटरी से भी चला सकते हैं। तो ये फ़ैन है, ये मैंने ही बनाया था, बहुत ही तेज़ चलता है। तो आप देख सकते हो इसकी आवाज़ भी सुन सकते हो आप कितनी स्पीड में चल रहा है। अब मैं बैटरी से मैं वायर कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको कि हमारी बैटरी कितनी चार्ज है। आप देख सकते हो ये हमारा फ़ैन चल चुका है। आप देख सकते हो आपके सामने लाइव प्रूफ है। अगर आप भाई आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।